अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं लाई हूँ आलू गोश्त के सालन की रेसिपी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए देखते हैं ये मजेदार सा आलू गोश्त का सालन बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। देखिए, ये मैंने 750 ग्राम यानी कि पौना किलो मैंने गोश्त लिया है। ये बोन के साथ लिया है, आप चाहे तो बिना बोन के भी ले सकते हो। अब यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया है एक प्रेशर कुकर। इसमें मैंने डाल दिया है 4 टेबलस्पून के करीब ऑयल। आप चाहे तो डायरेक्ट इसे पतीले में भी बना सकते हो। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए इसके अंदर हमें डालना है प्याज। तो ये एक मैंने बड़े साइज़ का प्याज लिया था, इसे मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। अगर छोटे साइज़ का है तो आप 2 ले लीजिए। अब इसे हमें गोल्डन फ्राई करना है। इसी तरह की आलू गोश्त के सालन की, चिकन आलू के सालन की रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड है, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। बहुत से डिफरेंट तरीकों से मैंने बनाना सिखाया है, आसान से आसान तरीका मैंने आप लोगों को दिखाया है। अब देखिए यहाँ पर ये हमारी प्याज गोल्डन होने को आ गई है, ये गोल्डन हो चुकी है। अब इसके अंदर क्या करेंगे ना, हमें डालना है ये मैंने लहसुन लिया है, पूरा एक अक्खा मैंने बंच लिया था लहसुन का, उसे छील लिया था, इसे डाल दिया। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा था, इसे भी मैंने साफ करके कट कर लिया, इसे डाल देंगे और 1 मिनट प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। 1 मिनट फ्राई करना है, उससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद इसके अंदर हमें ऐड करना है टमाटर। तो देखिए ये मैंने 1 मिनट इसे फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे टमाटर। तो टमाटर मैंने ये 1 लिया था और इसे मैंने रफली चॉप कर लिया है, इसे भी डाल देंगे। और टमाटरों को हमें प्याज और अदरक लहसुन के साथ 2 से 3 मिनट तक पकाना है, जब तक कि टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते उस वक्त तक इसे हम पका लेंगे। तो देखिए टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हो। अब क्या करना है ना, हमें इसे छान के इस तरीके से सारा ऑयल निकालना है और ये प्याज टमाटर अदरक लहसुन जो है ना, इसे हमें निकाल के मिक्सी की जार में डालना है। हमें इसका एक फाइन सा पेस्ट तैयार करना है। तो देखिए इसे अच्छे से छान लीजिए और सारा ये प्याज और टमाटर जो है इसे निकाल। चलिए अभी इसे पीस लेते हैं, ठंडा कर लीजिए और इसे पीस लीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो बचा हुआ ऑयल है ना, इसके अंदर हमें गोश्त को ऐड करना है, क्योंकि अभी हमें गोश्त को ना ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लेना है। 1 से 2 मिनट तक इसे हाई फ्लेम पे फ्राई कर लीजिए, जब तक कि गोश्त का कलर चेंज नहीं हो जाता, इसे हमें फ्राई कर लेना है। तो चलिए देखिए ये फ्राई हो चुका है। अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 बादियान का फूल, 1 मैंने दालचीनी का टुकड़ा डाला है, 1 बड़ी इलायची डाल देंगे, 2 तेज़पत्ते। आप चाहे ना तो आपने जब ऑयल डाला था ना उस वक्त भी आप डाल सकते हो। उसके बाद आप गोश्त को ऐड कर दीजिए। तो देखिए इसे डाल के 2 मिनट तक अच्छे से मैं भून लूँगी। अब इसके अंदर हमें ऐड करना है कुछ मसाले। तो इसमें जाएगा 1 टीस्पून मैंने डाला है भर के लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून डाल देंगे गरम मसाला पाउडर, 1.5 टीस्पून इसमें मैंने डाला है धनिए का पाउडर और 1/2 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। इसे डाल के अच्छे से पहले हमें गोश्त के साथ मिक्स करना है। और इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, नमक और मिर्च आप जिस तरीके का खाना पसंद करते हो उस तरीके से आप डाल सकते हो। अब इसे डाल के मिक्स कर लिया है। अब क्या करना है ना, इसमें हम दही ऐड कर देंगे। हम पानी नहीं डालेंगे, दही डालेंगे। तो ये मैंने 2 टेबल स्पून भर के दही डाला है। दही को डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए, ताकि हमारा मसाला भुनने में हमें आसानी हो, पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दही डालते ही दही का मॉइस्चर जब रिलीज होगा ना, तो मसाला उसमें अच्छे तरीके से भुन जाएगा। तो 2 मिनट तक इसे अच्छे से हम इस तरीके से पका लेंगे। अब क्या करेंगे, 2 मिनट बाद इसके अंदर जो हमने टमाटर प्याज अदरक लहसुन जो हमने पका के रखा था ना, उसका पेस्ट हमने जो बना के रखा था, इसे ऐड कर देना है। ये डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए, क्योंकि ये तो देखिए पका हुआ है, इसमें कच्चापन बिल्कुल भी नहीं है। जो हमने पाउडर मसाले डाला है उसे हमने अच्छे से भून लिया है। तो बस ये डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए, जब तक कि ऑयल नहीं आ जाता ऊपर सरफेस पे, जब तक इसे अच्छे से हम भून लेंगे। देख सकते हो आप लोग, ऑयल छूट चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है, मसाला हमारा सारा अच्छे से भून चुका है। और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि कितनी बढ़िया सी खुशबू आ रही है। देख सकते हो आप लोग कितना इसका मसाला मज़े का लग रहा है। अब इसमें हमें पानी ऐड करना है, क्योंकि हमें गोश्त को गलाना है। तो मैंने इसमें ना तकरीबन 1 ग्लास के करीब पानी ऐड किया था। पहले मैंने आधा पानी ऐड किया, इसे मिक्स कर लिया।
इसके बाद जो आधा पानी था उसे भी ऐड कर लिया। टोटल मैंने इसमें एक गिलास के करीब पानी ऐड किया है। अब क्या करना है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके इसको हमें लीड से कवर करना है। लीड से कवर करने के बाद मैंने इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे 5 सीटी आने तक पकने दिया है। 5 सीटी आने के बाद हमें गैस का फ्लेम करना है बंद और इसको अपने प्रेशर में ही पकने देना है। जब इसका प्रेशर अपने आप रिलीज हो जाएगा उसके बाद ही हम कुकर का ढक्कन खोलेंगे। तो चलिए इसे पका लेते हैं पहले। तो देखिए 5 सीटी हो गई थी, इसका प्रेशर अपने आप रिलीज हो गया था, तो मैंने अभी इसे खोला है। अब गैस का फ्लेम फिर से हम ऑन करेंगे क्योंकि हमारा गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है। अगर आपका ज़्यादा सख्त गोश्त है तो आप ज़्यादा सीटी लगा लीजिए। आप अपने गोश्त को जानते होंगे कि आपका गोश्त कितनी सीटी में गलेगा, उस हिसाब से आप गला लीजिए। अब देख सकते हो आप लोग, इसका थिकनेस देख सकते हो। अब क्या करना है ना, हमें इसमें डालना है आलू। तो मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का आलू लिया था, उसको मैंने छील के इस तरीके से क्यूब में कट कर लिया है। आलू कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से, अगर ज़्यादा खाना पसंद करते हो तो ज़्यादा डाल सकते हो, बड़े बड़े पीस पसंद करते हो तो बड़े पीस भी आप डाल सकते हो। आलू डाल के अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसके अंदर हमें डालना है ग्रेवी के हिसाब से पानी। तो देखिए आलू गोश्त का जो सालन होता है ना, शोरबा, वो थोड़ा पतला ही अच्छा लगता है, तो उस हिसाब से आप पानी डालिए। आप जितना थिक या थिन पसंद करते हो उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हो। मैंने इसमें क्या करा था ना, 1.5 ग्लास इसमें पानी डाला था क्योंकि अभी आलूओं को भी हमें गलाना है ना। तो देखिए इसकी थिकनेस मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। अब मैं क्या करूँगी ना, इस वक्त आप नमक वगैरह टेस्ट कर लीजिए। अब मैं लीड से फिर से कवर कर लूँगी और 1 सीटी आने तक इसे हाई फ्लेम पे पकने दूँगी। जैसे ही 1 सीटी आ जाए गैस का फ्लेम करना है हमें बंद और इसका प्रेशर अपने आप हमें रिलीज़ करना है। बस 1 सीटी में ही हमारे आलू बहुत अच्छे से गल जाएंगे। 1 से ज़्यादा सीटी मत लगाइएगा वरना आपके आलू है ना अंदर ही पूरे घुल जाएंगे। तो देखिए मैं आपको बता सकती हूँ, देखिए मैं आपको बताती हूँ आलू कितने अच्छे से गल चुका है हमारा। अब बस ये हमारा आलू गोश्त का सालन रेडी हो चुका है। अब इसमें लास्ट एक इंग्रेडिएंट डालना है। तो देखिए ये मैंने लिया है 1/2 टीस्पून जायफल और जावित्री का पाउडर, इसे डाल दीजिए। मैंने कूट के इसमें डाल दिया है अच्छे से बारीक सा। और ये लास्ट में हरा धनिया ऐड कर दीजिए। हल्के हाथों से मिक्स कर लीजिए और ढक के इसे एकदम धीमी आँच पर सिर्फ 2 मिनट हमें पकाना है। 2 मिनट पकाने के बाद जब इसमें अच्छा से एक उबाल आ जाएगा, ये अच्छे से सारे मसाले आपस में मिक्स हो जाएंगे ना, इसके बाद हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम कर देंगे। देख सकते हो आप लोग कितने अच्छे से इसमें उबाल आ चुका है। अब मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया, लीड से कवर कर देंगे और सिर्फ इसे इसी तरीके से 10 मिनट तक रेस्ट के लिए रख देंगे। देखिए 10 मिनट हो चुका है और आप लोग इसका फाइनल लुक देख सकते हो। और मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ कि इसकी कितनी बढ़िया सी खुशबू पूरे घर में फैली हुई है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान सा तरीका मैंने बताया है। बहुत से मैंने आलू गोश्त का सालन की रेसिपी अपने चैनल पे अपलोड की है। आलू चिकन का सालन भी मेरे चैनल पे अपलोड है। आसान से आसान मैंने आपको रेसिपी दी है, आप लोग वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। लेकिन इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए मैं इसे सर्व कर लेती हूँ और ये इतना मज़े का है। आप लोग इसे संडे के दिन बनाइए, फ्राइडे के दिन बनाइए। अभी रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा है तो इसे आप लोग अफ्तार में भी बना सकते हो। ये बहुत ही मज़े का लगेगा। सहरी में आप लोग बना दीजिए, बहुत ही टेस्टी है, बहुत आसान और झटपट बनने वाली रेसिपी है। सबसे मेन पॉइंट तो इसका यह है कि इसे बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो देखिए कितने मज़े का लग रहा है, खाने में तो इसके कोई जवाब ही नहीं है, इतना टेस्टी। तो आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स में मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। और मुझे बताइएगा ज़रूर कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और हाँ, प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि रेसिपी को आप लोग एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभार है ना कोई मसाले हमें एंड में डालना होता है। जैसा अभी आपने इस रेसिपी में देखा कि हमने एंड में कौन सा मसाला डाला है। तो आप लोग अगर स्टार्टिंग में देख लेते हो और एंड का स्किप कर देते हो, फिर वो मज़ा, वो टेस्ट उसमें नहीं आता है, फिर आप लोगों को कंप्लेंट होती है। तो देखिए मैं आप लोगों को खा के भी बताती हूँ। और इसके आप लोग ग्रेवी देखिए कितने मज़े की लग रही है।
आप लोग इसे चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हो या तंदूरी रोटी के साथ भी ये अच्छी लगती है, बहुत ही खाने में मज़े की लगती है। तो देखिए आप लोगों को दिखाती हूँ मैं कि किस तरीके से एक ही सीटी में हमने आलूओं को पकाया है और कितने अच्छे से हमारा आलू एकदम गल चुका है। और गोश्त भी देख सकते हो आप लोग कितना सॉफ्ट हो चुका है, बहुत अच्छे से गला है। और इसका तो टेस्ट मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, इसका टेस्ट आप लोगों को उस वक्त पता चलेगा जब आप लोग ये रेसिपी फॉलो करके आप लोग खुद इसे ट्राई करोगे। तो आप लोग इसे ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि रेसिपी को एंड तक के ज़रूर वॉच कीजिएगा, जिससे आपको रेसिपी एकदम परफेक्ट मिलेगी। तो चलिए चलती हूँ, दुआओं में याद रखना, इंशाल्लाह फिर हाजिर होगी एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।